अब देखो भाभी के एनिवर्सरी का केक आ चुका है और यहाँ पर पे कौन आया दीदी। हेलो दी, प्रणाम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा सगाई करके? बहुत अच्छा। सही बात। कैसा लग रहा है? और यहाँ पर पे माइक को देखो, इसको तो गर्मी लग रही है लेकिन जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ ये आ जाता है। इसको कैमरे का बहुत शौक है ना। अब सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमेशा बना के रखना। तो इस साल मैं नई नई जगह पे ट्रैक करूंगा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंच केदार, पंच बद्री या पूरा उत्तराखंड घूमूं और आप लोगों को दिखाऊं। पूरे तैयार हो रही है और यहाँ पे अभी बुढ़िया लग रही है। बुढ़िया लग रही है ना। अब आपकी बारी सगाई है ना, तो अब कुछ दिन बाद, कुछ परसों, गढ़वाली वाला परसों अब आपकी सगाई है। तो अब देखिए आज बन रहा है स्पेशल खाना, लौकी और कोफ्ता। अरे बाल मजदूरी कराई जा रही है। अब देखिए देहरादून का मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होने लग चुकी है और आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। वहाँ देखिए चटक घाम, मतलब चटक धूप लगी है। ऐसे में गर्मी होगी ही। और वहाँ पर भी पानी डालता प्याजों में तो वो भी बहुत जल्दी सूख गया है, तो इतनी तेज गर्मी हो रही है। बाकी यार देहरादून का मौसम ऐसे ही है कि अब कभी कभी भी यहाँ बारिश पड़ सकती है। कल तो यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी लेकिन अब क्या हो चुका है कि बिल्कुल अलग ही मौसम हो चुका है। अब गर्मी से मुझे एक चीज याद आई कि मुझे ना जाना है, मेरा दोस्त जो है सचिन, उनके यहाँ जाना है। तो सचिन और दीदी लोग जो है मेरे घर के बगल में रहते हैं, वो जा चुके हैं चमोली और उनके घर में कोई नहीं है, तो उन चाबी हमको दे रखी है। बोला था कि पानी वूनी डालना, मतलब ध्यान दे देना थोड़ा घर वर का, तो वो करने जाना है मुझे, मतलब कि वहाँ पे जाके पानी डालना है ताकि जो गमले वो सूखे ना। अब गर्मी हो ही इतनी रही है तो ऐसा तो होना ही है, तो चलते हैं फटाफट से पानी पुनी डालते हैं। उससे पहले वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। चलते हैं फटाफट से और डालते हैं पानी, मेरे को बहुत गर्मी हो रही है और ना मेरे यहाँ पर चोट भी लग रखी है थोड़ी, तो अब इस पर दवाई लगाऊंगा। देखते हैं, वैसे यहाँ पे ना गर्मी होती है ना, मेरे को बहुत पिंपल होते हैं, तो यहाँ पे पिंपल हो रखा था तो मतलब वहाँ पे लाल लाल होने लग गया है, तो अब उस पर दवाई लगाऊंगा और तब थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी गर्मी तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सर्दियाँ मुझे इतनी पसंद है लेकिन गर्मी मुझसे बिल्कुल सही नहीं जाती और गर्मी में मेरी बहुत हालत खराब जाती है, मतलब मेरे से गर्मी सही ही नहीं जाती बिल्कुल। चलो भाई चाबी भी ले ली है, चलते हैं फटाफट से, पानी डाल के आते हैं और मुझे भूख भी लग रही है तो फिर खाना खाएंगे। भाई साहब क्या धूप हो रही है, आगे भी नहीं खुलती धूप में तो बिल्कुल भी। और यहाँ पर भी खेत है तो वो किसी और दिन दिखाऊंगा, फिलहाल ये काम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पे है मेरे दोस्त सचिन का घर, अब यहाँ पानी डालना है। अब देखना पड़ेगा कि पानी कैसे आएगा। जैसे पाइप तो लगा दिया है तो इसको ऑन करके देखा मैंने, इसको फिर से ऑन करके देखते हैं पानी आता है कि नहीं। पानी आ जाएगा तो पाइप से चले जाएगा ना, जल्दी सही रहेगा। आई थिंक अंदर जाके मोटर चलानी पड़ेगी, पानी नहीं आ। अब ना मोटर चलाते ही पानी भी आने लग चुका है जो कि अच्छी चीज़ है। अब फटाफट से पौधों को पे पानी डाल देते हैं। तो चलो भाई सारे गमलों में पानी डल चुका है और अब इनकी प्यास बुझ गई होगी, चलते हैं अब हम भी। चलो भाई ये काम भी कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं घर पे और खाना खाते हैं मजे से। अब देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया। और यहाँ पर पे माइक को देखो, इसको तो गर्मी लग रही है लेकिन जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ ये आ जाता है। इसको कैमरे का बहुत शौक है ना। तो फिर आज के खाने में बनाए टेस्टी टेस्टी फ्राइड राइस और दही। दही के बिना तो काम नहीं चलेगा गर्मियों में, क्योंकि यही अच्छा होता है, ठंडक देता है बॉडी को। अब सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमेशा बना के रखना ताकि, क्योंकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाते रहूं अच्छी अच्छी। तो इस साल मैं नई नई जगह पे ट्रैक करूंगा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पंच केदार, पंच बद्री या पूरा उत्तराखंड घूमूं और आप लोगों को दिखाऊं और फिर गाँव में जाकर के पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग भी दिखाऊं। तो सपोर्ट जरूर बना के रखना अपना। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वीडियोज़ में व्यूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ टाइम तक व्यूज़ नहीं आ रहे थे लेकिन आजकल आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट जरूर बना के रखना मेरे लिए। अगर वीडियोस में 1000 व्यूज़ भी आ रहे हैं एक दिन में तो वो भी बहुत है, लेकिन ऐसा है कि अगर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रोज़ अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग ऐसी सपोर्ट बना के रखेंगे तो व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। बाकी जो यूट्यूब से अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है छोटे क्रिएटरों के लिए जैसे मैं हूँ, तो जैसे 1000 व्यूज़ पर भी बहुत कम डॉलर बनते हैं। $1 ₹84 का है, मतलब 100 से भी कम का है। तो अगर एक वीडियो में 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो एक वीडियो में बनने चाहिए 84 रुपीस, बट वो भी नहीं बनते हैं क्योंकि छोटे क्रिएटरों के लिए बहुत कम होता है, तो मतलब 20-30 रुपए ही बनते हैं एक वीडियो पे मुश्किल से वो भी। तो ये है कि उन 1000 व्यूज़ का वैसे पैसों से रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं है, बट ये है कि खुद से वो हो रहा है कि हाँ भाई मेहनत पे
फल मिल रहा है, तो बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे खैर व्यूज बढ़ जाएंगे, आज कम है कल ज्यादा हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं वो हमेशा ऐसे ही बना करके रखना। बाकी फिर साधना भाभी की एनिवर्सरी थी तो उसकी जो क्लिप्स थी वो मेरे पे थी, तो मैंने कहा वो ऐड करते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। हमने बहुत एंजॉय करा और ये व्लॉग वही आगे पीछे हो पाए, क्योंकि फिर हम मतलब दीदी की सगाई थी और फिर उसके बाद हम आए, फिर हम घूमने गए, फिर हम गुच्चू पानी गए, तो उस चक्कर से ना व्लॉग आगे पीछे हो रहे थे और बड़े बड़े ना हो इसलिए मैंने हाफ हाफ करके रखे थे। तो अब देखते हैं हम आगे भाभी की एनिवर्सरी पे हमने क्या मजे करे थे। अब देखो भाभी के एनिवर्सरी का केक आ चुका है और यहाँ पर पे कौन आया देखिए। हेलो दी, प्रणाम, कैसे हैं? कैसा लग रहा है सगाई करके? सही बात, कैसा लग रहा है? पहले सब लोगों ने बहुत बधाई दी, तो थैंक यू, बधाई आपको बहुत ज्यादा। और भाभी देखो कितनी प्यारी दिख रही है, भाभी को बहुत बहुत बधाई। ये देखो भाभी पूरे तैयार हो रखी है और यहाँ पे अब इनकी बारी। बुढ़िया लग रही है ना? बुढ़िया नहीं, अच्छा लग रही है। अब आपकी बारी सगाई की, है ना? तो अब कुछ दिन बाद, कुछ परसों, गढ़वाली वाला परसों आपकी सगाई है ना? देखो भैया और भाभी का ओ टी डी। चलो भाई, कैसे सुंदर लग रहा है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो आपने ही हमको बोला शादी करो, ये चलो काटो के अरे इनके प्यार का सबूत यहाँ पे खड़ा रहे। सुबह भी डैडी ने बोल दिया था एक बार। अच्छा तो इंजेक्ट बहुत बधाइयां। और आज भाभी देखो कितनी प्यारी दिख रही है। अब आपके उसमें कमेंट आते हैं कि हाँ भाई भाभी बहुत प्यारी है। और यहाँ पे भैया को भी बहुत बधाई है, और भैया बहुत सपोर्टिव है भाभी का, हर टाइम सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, है ना? नहीं तो आजकल तो लोग सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए मम्मी कर रही है खाने बनाने की तैयारी। हेलो 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 दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। मम्मी आने लग चुकी है वीडियो में, बोलना सीख गई है फाइनली। हाँ। बाकी देखिए यहाँ पे बन रहा है खाना। आज का खाना बन रहा है कोफ्ता, तो आज बन रही लौकी के कोफ्ते बना रही है, क्या बात। तो अब देखिए आज बन रहा है स्पेशल खाना, लौकी का कोफ्ता, जैसे खाने में मजा आएगा। मम्मी ना एक चीज़ है, खाना अच्छा बनाती है, ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मम्मी। अब तारीफ की बात यह है कि ये जो आटा आपको दिख रहा है किसके लिए पता है? आटा शिवम के लिए है। अभी आटा मेरे लिए है और ये काम मेरा है गूंदने का। तो अब मम्मी ना मेरे को घर के काम सिखाती रहती है ताकि मतलब कभी आगे दिक्कत ना हो, जैसे मम्मी कभी कहीं चली गई या मैं भी कहीं कहीं चले गया। तो बाकी खाना बनाना सबको आना ही चाहिए, बट रोटी बनानी भी आनी चाहिए। खैर मुझे रोटी बेलनी आती है, लेकिन पकानी हल्की हल्की आती है, ढंग से नहीं आती, बट आटा गूंदना अच्छे से आता है, जो काम मम्मी मेरे से रोज कराती है। नहीं चल जाता हूं तो गूंदने के लिए तो मैं भी गूंद सकती हूं, पर सिखाना भी पड़ता है ना बच्चों को। हाँ, लेकिन अब क्या करे, यहाँ बाल मजदूरी कराई जा रही है, बाल मजदूरी की बात है। और की तो बेटी आए वो कर देती है, मेरे तो वही बेटी है, वही बेटा है। अब यहाँ देखिए मम्मी का मजाक करो कि बाल मजदूरी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि थोड़ा हार्ड बटाना चाहिए। अब बाकी ये है कि ये दिखावे के लिए नहीं है, ये बात सच है। बाकी किसी दिन करूँ, बनाऊंगा पूरा अपने पूरे दिन भर का क्या करता हूँ वो वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दिखाना कि आप पूरे दिन भर में क्या क्या करते हैं, तो वो किसी दिन दिखाएंगे वीडियो। बाकी अभी चलते हैं आटा गूंदते हैं। और काम करता है शिवम, आटा गूंदता है, झाड़ू पोछा करता है। कहीं लोग बोल रहे खाली वीडियो में दिखाया ले गूंदा तो नहीं। यहाँ पे जेरी देखो, जेरी ने वाटरमेलन खाया, क्या खाया जेरी ने? वाटरमेलन। अब बाकी जो मेरा काम है वो कर लेता हूँ, फटाफट से आटा गूंद देता हूँ।
और ऐसा है कि ये काम नॉर्मल ही है, हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये काम केवल लड़कियाँ ही कर सकती हैं, ऐसा काम कुछ नहीं है। और ऐसे सिर्फ केवल बोलने की बात है, अगर आप अपने घर वालों की अपनी मम्मी की मदद कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात अच्छी बात है। बाकी पहाड़ में तो यार करते ही हैं सब लोग अपने घर वालों की मदद, शहरों में भी करते ही हैं, बट शहरों में होता है ना कि सब लोगों की बिजी लाइफ रहती है तो कम कम करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना या आप लोग अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मेरे हाथ कैसे हो चुके हैं और आटा गूंथ चुका है पूरा, और ऐसे होते हैं हाथ आटा गूंथने के बाद। और ये देखिए आटा गूंथ चुका है, तो कमेंट करके बताना क्या मैंने सही आटा गूंथा है। और ये मम्मी को देते हैं, लो भाई देखो आटा, ठीक है चेक करो। मम्मी को आटा तो दे दिया है, कैसा है? ठीक है ठीक है ना, बस सब्जी बनाओ फटाफट से। सब्जी तो खैर बन चुकी है, बन गई ना, और बनाओ रोटी रोटी, फिर आता हूँ। अब देखिए पेट पूजा भी हो चुकी है, सारा काम निपट चुका है, आज का दिन काफी अच्छा गया। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन कैसा गया है। वैसे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियोस पे काफी सपोर्ट दिखा रहे हैं, मेरे लिए ना रोज के 1000 व्यूज आना बहुत बड़ी बात है, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि वीडियो से चल रही है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाना और रोज मतलब ऐसे ही व्यूज आते रहे तो मेरे लिए अच्छा है, तो मेरे लिए 1000 व्यूज ही बहुत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, मैं मेहनत करता रहूंगा, आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखे तो फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं। चलते मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जाकर के जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।